प्रवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब प्रायिकता का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है दोस्तों संभावना या किसी भी घटना का चांस, और किसी भी घटना का जो दोस्तों घटना होगा उस घटना का क्या होगा दोस्तों? चांस होगा। उस घटना का चांस ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। किसी भी घटना के घटित या न होने की घटित संभावना ही कहलाता है। और प्रायिकता तो जो घटना होगा पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट, और इसकी संभावना किसी भी घटना घटित होने की संभावना ही है। अगर हम बोले पी फॉर प्रायिकता होता है और ई फॉर इवेंट होता है, तो प्रायिकता को हम लोग कैसे सिंबल देने वाले हैं? ई से सिंबल देने वाले हैं। ई फॉर प्रायिकता होगा, समझ में आया क्या? और चलते हैं इसके अगले कदम की ओर। तो किसी भी घटना का जो चांस होगा वह बताइए कितना कितना होता है? 50% होता है। किसी भी घटना का जो चांस होता है दोस्तों वो कितना होता है? क्या दोस्तों किसी को 1/2 बोल सकते हैं? हाफ कमा हाफ, चाहे 50 बोले तो 1/2, 50 बोले तो 1/2, हाफ हाफ दोनों चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चांस है, या तो अगर हम बोले किसी भी घटना के घटित का जो चांस है वो 100% है, अगर किसी भी घटना के घटित हो जाने के जो प्रक्रिया है वह श्योर है, निश्चित है, निश्चित घटना को लो, जो घटना घटित हो जाए, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। जब घटना घटित हो जाए दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं निश्चित घटना, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे श्योर इवेंट बोलते हैं। और श्योर इवेंट का मान सदा कितना होता है? 1 होता है। निश्चित घटना का मान सदा कितना होता है? 1 होता है। और दूसरा दोस्तों अपने पास होता है अनिश्चित घटना, जो घटित नहीं होते, ऐसे घटना है जो घटित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना। और इस घटना का मान कितना होता है? अगर हम बोले किसी भी घटना के घटित होने की जो दर आया है अपने पास 1 है, और न घटित होने की दर कितना है? हम बोले किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता PE है, और घटित न होने की प्रायिकता जो अपने पास है E- है। घटना घटित होने की प्रायिकता PE और घटित न होने की प्रायिकता E- बराबर बताओ कितना होगा? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता न घटित होने की प्रायिकता बताओ कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, अर्थात 100% से ऊपर नहीं होता है। जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा, या 0 से 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ये प्रायिकता। तो प्रायिकता का मान जो लाई करता है इसका वैल्यू, तो प्रायिकता का मान हम कह सकते हैं कि ये 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता भाई ये 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों ये किससे छोटा होता है? 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। तो प्रायिकता का मान बताइए कितना छोटा होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या प्रायिकता का मान 1 के बराबर या 0 से छोटा होता है? तो ये आपका प्रायिकता था। सिंपल वे में लेके चल रहे हैं स्पीड बढ़ा के। प्रायिकता का मान चाहे आप अगर 1 आ रहा है तो प्रायिकता को हम लोग 100% बोलते हैं। ऐसी घटनाएं जो पूर्णता 1 हो जाती है, घट जाती है, उसे हम लोग 100% बोले, या कितना बोले? 1 बोले। ऐसी घटनाएं जो घटित ही नहीं होता है, ऐसे घटनाओं का मान हम लोग 0 बोलते हैं। ऐसी घटनाओं को 0% बोलते हैं, ठीक है ना? यस सर। ऐसी घटनाओं को लोग 0% भी बोलते हैं जो घटना घटित ही नहीं होता है। अब जैसे मैंने टॉस उड़ाया, अभी 1 सिक्का लिया, अब सिक्कों के उड़ाया और वहाँ पे बोला बताओ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है? 1 सिक्के के मेरे पास होते हैं 2 पहलू होते हैं। तो 1 सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर टॉस किया जाए हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या संभावना है? कोई संभावना नहीं बताया जा सकता है, बस ये कहा जा सकता है
हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कहा नहीं जा सकता कि हेड ही आएगा। क्या समझ में, क्योंकि वह टॉस किया गया और उड़ाया गया हवा में है, फिर आपसे बोला जाए हेड की टेल, तो एक बैटिंग करेगा, यानी कि जब जीत जाता है तो उसे घटनाओं को 100% बोलते हैं ना। अभी टॉस किया गया तो बताओ जीतने की कितनी संभावना है, 50% यही चांस होते हैं। अगर आज मौसम खराब है और कोई लड़का अनुमान लगा के बोल रहा है आज बारिश बहुत तगड़ा होगा, अब बारिश नहीं हुआ तब क्या करेगा, ऐसे घटनाओं को हम लोग बोलते हैं संभावना, यही प्रायिकता कहलाता है। अभी हम बोल रहे हैं कि अभी एक ट्रेन 2 बजे आएगी, ट्रेन आगे पीछे में कुछ पड़ी गया, लेट हो गया, थोड़ा सा गाड़ी स्लो चल गई या साली गाड़ी जो है तेज बढ़ गई, फास्ट हो गई, तब बताइए गाड़ी का स्पीड बढ़ गई, तब क्या होगा, इसमें आगे भी पहुंच सकती है और लेट भी हो सकती है, तो आगे भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है, तो ऐसी घटनाओं को बताइए क्या बोलेंगे हम लोग, प्रायिकता ही तो बोलेंगे ना। तो प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना, क्या होता है संभावना, किसी भी चीज का संभावना व्यक्त करना ही क्या कहलाता है प्रायिकता। का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। बोला जाए एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 4/3 है और 2/3 है, 6/7 है और 12/3 है, इसमें से एक प्रायिकता सही है, वो बताओ कौन सी प्रायिकता का मान सही है। 4/3 बोला, 2/3 बोला, 6/7 बोला, 12/3 बोला, 2/3 कौन सही है इसमें से, 2/3 प्रायिकता सही है, 2/3 ये सही है और 6/7 ये दोनों प्रायिकता घटित हो सकते हैं, ये दोनों सही दिया गया है, क्योंकि एक घटना है का मान 1 से क्या है भाई, छोटा है। तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ तक तो पता ही है, चलते हैं प्रायिकता में। दोस्तों आपको 3 चीजें पढ़ना है सबसे बेसिकली रूप से। सबसे पहला आपको दोस्तों कौन सा पढ़ रहा है, पहला नंबर पर सिक्का आता है, क्या आता है भाई साहब, सिक्का आता है। और दूसरे नंबर पर आएगा डिश, डी आई सी ई, आपको डिश पढ़ना है, डिश पढ़े लूडो कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, कार्ड पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, जिसे पत्ता कहते हैं, क्या करते हैं, पत्ता कहते हैं। और तीसरा अगर और अगला देखना होगा तो ये बॉल से संबंधित कुछ भी आपसे बोला जा सकता है। अगला अगर देखना होगा तो बॉल देखना पड़ेगा, बॉल मतलब गेंद, गेंद से संबंधित सवाल उठेंगे। एक थैले में लाल पीला हरा लाल डाले गए हैं गेंद, यदृच्छा निकाले जा रहे हैं, रैंडमली कैसे निकाले जा रहे हैं, यदृच्छा का मतलब होता है व्यवहारिक चीज न करना, डाल दिया गया देख कर नहीं निकालना है, यदृच्छा निकालना है आपका आइटम आज बिना ना देखे, ठीक है ना, तो इसे यदृच्छा बोलते हैं, रैंडमली बोलते हैं। तो शुरुआत किया जाए क्वाइन से, सबसे पहले टॉपिक की कुछ और लेके चले हम लोग, कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्वाइन जो चले यहाँ तक तो आप लोग नोट किए ही है, पहले सुनिए ना, हाँ तो यहाँ तक नोट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं अगले क्लास की ओर। जो सबसे पहला क्लास यहाँ पे लगना चाहिए बताइए, क्वाइन के ऊपर लगना चाहिए, क्वाइन क्या होता है भाई, कोई बताएगा क्या, क्वाइन का मतलब सिक्का होता है भाई। देखा जाए तो अगर अपने पास ये एक सिक्का है और एक सिक्के में या तो हेड होगा या टेल होगा, तो दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी एक सिक्का है या एक सिक्का है, अब इसको टॉस किया गया तो बताओ क्या आ सकता है, तो टेल आ सकता है, हेड आने की गारंटी है भाई, अगर बोला जाए तेल आने की तो तेल आने की, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 आने का, हेड आने की 1/2, तेल आने की 1/2। तो यहाँ से बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रायिकता का एक फार्मूला बनकर निकल कर आएगा,
प्रायिकता बराबर ई फॉर प्रायिकता होता है, प्रवृत्ति किसका ई फॉर घटना घटित हो रहा है, किस चीज का घटित हो रहा हुआ लिख सकते हैं आप। तो प्रायिकता एक नॉर्मल फार्मूला बनाया जा रहा है, बहुत ही बेसिकली फार्मूला है। आने वाली घटना घटना प्रायिकता का मान सदर क्या होता है, आने वाली घटना आने वाली घटना और बेटा कुल घटना के अनुपात को कुल घटना के अनुपात को दोस्तों क्या बोलते हैं, आउटकम। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आउटकम, आउटकम इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो जितने तो एक से का रेशियो कहलाएंगे दोस्तों, यही प्रायिकता कहलाता है। तो हेड और टेल में हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने बोला एक सिक्का को टॉस किया गया, सिक्के पर कुल घटनाएं बताओ कितने होंगे, कैसे पता चला, क्योंकि एक सिक्का टॉस किया गया, इसके दो पहलू है, या तो हेड है या तो टेल है, तो बोलना पड़ेगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कितने पहलू होते हैं, दो पहलू कौन कौन से हैं, या तो हेड होगा, कुल घटनाएं बताओ कितने हो जाएंगे, होंगे। तो अगर हमें इसी प्रकार इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा भाई साहब, कुल घटना सिक्कों में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुल घटनाएं अगर निकालना पड़ेगा, कुल घटना बराबर बताइए कितना आएगा, दो के जाते यन सिक्कों की संख्या है, यन क्या है सिक्कों की संख्या, और दो क्या है यहाँ पे मालूम है, एक सिक्के के दो घटनाएं होते हैं, दो पहलू होते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पर दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, या एक सिक्के को दो बार उछाला गया, बात दोनों सेम है, एक सिक्कों को दो बार उछाला गया या दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, एक साथ उछाले तो भी बात वही है, या एक सिक्कों को दो बार उछाले तो भी बात क्या है सेम है, तो भी चार घटनाएं आएगा। अगर बोला जाए दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो कुल घटनाएं बताओ कितना आएगा, दो के घर पे दो होगा ना, दो सिक्के उछाला गया तो दो के घर पे दो गुना चार घटना, तो चार घटनाएं हो जाएंगे। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, चाहे एक सिक्के को तीन बार उछाला जाए, दोनों बात क्या है सेम है, कुल घटना बताओ कितने होंगे, तो दो के घाते तीन, दो गुना चार गुना आठ। अगर चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या एक सिक्कों को चार बार उछाला जाए, बात दोनों क्या है सेम है, दोनों बात सेम है। तो एक सिक्कों को चार सिक्कों को एक साथ उछाला गया, कुल घटनाएं बताओ कितने होंगे भाई साहब, दो गुना चार गुना आठ गुना सोलह घाते चार हो जाएगा। तो ये घटना निकालना तो आसान है ना, तो घटना निकालना आसान है। हम यहाँ पर आते हैं, एक सिक्कों को एक बार उछाला गया, हेड आने की क्या प्रायिकता है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और एच फॉर हेड, एच फॉर हेड, पी फॉर प्रोबेबिलिटी एच फॉर हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो एक सिक्का में कितने बार हेड आ सकते हैं, एक बार आ सकते हैं, और बेटा कुल घटना कितने हैं, क्या प्रायिकता समझ में आ रहा है। टेल की बात करें तो पी टेल बताओ कितना होगा, टेल एक ही बार में आया क्या, और बेटा कुल घटना दो। अच्छा, कभी भी प्रायिकता जितने भी घटित हो जाते हैं सभी को ऐड करेंगे तो कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा, तो यानी कितने घटना है, पी हेड आया है और प्लस पी टेल आया है, इन घटनाओं को अगर जोड़ा जाए तो साधा बताओ कितना आएगा, एक आएगा, आप और आप जुड़कर बताओ कितना हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो जो भी घटनाएं घटित होंगे, चाहे जितने भी घटनाएं होंगे, अगर सभी को ऐड करेंगे तो सदैव का सदैव आंसर कितना मिलेगा, मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ से क्वाइज से रिलेटेड ज्यादा नहीं लेके चल रहे, समझाया भी गया था ना, तो ज्यादा नहीं, आज थोड़ा सा बस आगे डेमो लेके चल रहे हैं। तो बताइए ये सिक्का से रिलेटेड आप सवाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दो सिक्कों का एक साथ उछाला गया तो क्या क्या घटनाएं हो सकते हैं, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है ना, यस सर। तो कम से कम एक सिक्के पर टेल आए, कम से कम एक सिक्के पर हेड आए, कम से कम दोनों सिक्कों पर हेड आए, कम से अधिक से अधिक दोनों सिक्कों पर टेल आए, ठीक है ना, टेल आने के एक सिक्के पर टेल आने की क्या प्रायिकता है, दोनों सिक्कों पर टेल आने की क्या प्रायिकता है,
तो यहाँ से सवाल तो बन सकते हैं कई ठो। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। डी से क्या है अगला पॉइंट? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया था। अगला पॉइंट जो अपने पास है डीस। डीस से संबंधित बातें करते हैं। ये डीस क्या होता है? डीस का मतलब जानते हैं क्या क्या होता है भाई साहब? बताएंगे क्या होता है? डीस का मतलब पासा होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे लग जाएगा डीस। डीस माने पासा होता है। और पासा सभी लोग देखे होंगे, ये अपने पास एक पासा है। यहाँ पर एक पासा बना हुआ लीडो मैंने बना दिया। इस लीडो को ऊपर क्या लिखा रहता है? नंबरिंग लिखा रहता है। उस नंबरिंग को मैं यहाँ पे शो देख कर रहा हूँ। कितने नंबरिंग लिखे रहते हैं भाई साहब? छह तक नंबरिंग रहते हैं। टोटल कितने रहते हैं? छह तक रहते हैं। और टोटल छह तक रहते हैं। पहले पे बताओ क्या लिखा रहता है? वन लिखा रहता है। दूसरे पे टू लिखा रहता है। थ्री लिखा रहता है। फोर लिखा रहता है। और पांचवे पर फाइव लिखा रहता है। और छठवे पर चार पाँच छह। क्या ये छह गुटिया होती है क्या? इस प्रकार से एक गुट्टी के ऊपर छह प्रकार के खाने अर्थात ये क्यूब होता है ना? ये क्यूब होता है। क्यूब के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है? वन लिखा रहता है। अब इसमें किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बताओ। अगर हम पूछे आपसे एक अब लूडो है या डिस है, एक डिस के कितने पन होते हैं? तो आपको समझ में आ रहा है एक डिस के कितने पन होंगे भाई साहब? छह पन होते हैं। कितने पन होते हैं भाई साहब? छह पन मतलब छह घटनाएं होते हैं। तो कितने घटनाएं होते हैं? इसका सूत्र बनाना होगा। कुल घटना बराबर निकालना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा दोस्तों? ये तो बोलना पड़ेगा क्या? ये नहीं बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई घटना अगर दो पासे को एक साथ उछाला गया या एक पासे को दो बार उछाला गया, दोनों बात क्या है? अब एक पासे को दो बार उछाले चाहे दो पासे को एक साथ उछाला जाए। अब बताइए कुछ घटना है, बताओ कितना होगा? कैसे निकालेंगे? छह के घात में दो करेंगे, दो पासा को एक साथ उछाला गया है ना? छह के घात में दो करेंगे, छह के कुल कितने घटनाएं होंगे? बोले तीन पासों को एक साथ उछाला जाए तो छह के घात में तीन करेंगे, छत्तीस छक्का 216 घटनाएं हो जाएंगे। इस तरह से घटनाएं क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ से काफी अच्छे सवाल बनते हैं। तो एक पाला है, अगर हम बोले एक के घटित होने की प्रायिकता बताओ कितना होगा? तो एक छह बट्टी में एक ही बार आया है, एक दो बार आया है। और कुल घटना बताओ, बताओ दो आने की क्या प्रायिकता? एक बटा छह पाँच आने की, छह आने की। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया है ना? Yes, अच्छा, अगर हम बोले कि एक पासे को एक बार उछाला गया, अगर आप बताइए तेल आने की सॉरी पढ़ा क्या रहे हैं, यानी कि कम से कम एक आने की क्या प्रायिकता है? तो क्या जवाबदारी कर सकते हैं? पी वन आने की प्रायिकता अगर निकाला जाए तो वन बाई लिखा गया है। और पी टू निकाला जाए वन बाई, पी थ्री निकाला जाए वो भी बताओ वन बाई, पी फोर निकाला जाए वन बाई सिक्स ही आएगा। अगर इसी तरह निकाला जाए पी फाइव निकाला जाए सही रहेगा क्या? सिक्स निकाला जाए वन बाई सिक्स। अगर हम बोले पी सेवन बताओ जीरो बाई सिक्स, जीरो बाई सिक्स अर्थात जीरो ही रहेगा ना? यस सर। अब जीरो आने की कोई प्रायिकता सात पे आ सकता है क्या? इसमें बताओ कहाँ है? सात तो आ ही नहीं सकता है ना? एक बताइए कि आठ भी है क्या इस पासे में? नो सर। जीरो बटा सिक्स बराबर जीरो। नाइन बताओ जीरो बटा सिक्स बराबर जीरो। जब छह है ये एक से लेकर छह तक जो नई संभावना है उस संभावना को करेंगे क्या? लूडो में आप फेंकते रहिएगा जिंदगी भर, क्या नौ आएगा? हो सकता है कहीं भगवान दया करे तो नौ पर लिख दे, छह के स्थान पे एक और टीम बढ़ा दे, हो सकता है ऐसा? अरे भाई जितना बना के रखा गया उतना एक से छह तक आ सकता है ना? और आप विचार कर रहे हैं देखो आठ
आठ आ सकता है क्या? हाँ एक आ सकते हैं, छह और दो आ सकते हैं, वह आठ अपना अलग है, ये अलग से संख्या है भाई साहब, ठीक है ना। ये प्रायिकता में घटना जो घटित नहीं हो सकते है उसका प्रायिकता का मान सदैव क्या होगा? शून्य होगा, हो ही नहीं सकता है। और घटित होने की प्रायिकता ये छह आने की, एक बटा छह कुल घटना है, कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। टोटल घटनाएं कितने हैं? छह। मिलाकर बताओ पी सिक्स से बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है ना। अगर एक से लेकर छह घटनाओं को मैं ऐड कर देते हैं तो कुल घटनाओं का मान टोटल बताओ कितना हो जाएगा? अगर टोटल हम घटनाओं को जोड़ देते हैं अपने पास पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री पी सिक्स, अगर टोटल ऐड करते हैं तो अपने पास 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? तो 6/6 हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो सभी घटनाओं का योगफल, जितने भी घटनाएं घटित हुए हैं सभी को जोड़े तो टोटल मिला के कितना आएगा? 1 आएगा। कभी भी घटना का मान एक से अधिक नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या बन सकता है आपके लिए? अगला सवाल यहाँ पे सम विषम, ये सब सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। कैसे सवाल बनेंगे भाई साहब? अब यहाँ पे सम और विषम यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से रिलेटेड अगर सवाल बनते हैं तो यही से बनेगा और कठिन सवाल नहीं बनेंगे आपके लिए। अगर आपसे बोला जाए तो यहाँ प्राइम नंबर की अगर बात करें जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो प्राइम नंबर्स अपने पास कौन से है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं बताओगे क्या? ऐसी संख्याएं जिनके एलसीएम कम से कम एक हो। एलसीएम ओनली फॉर वन हो भाई, एलसीएम अगर एक होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अब जैसे अपने पास प्राइम नंबर, ये बताओ प्राइम नंबर नहीं समझ पा रहा है क्या? अरे एक से तो बड़ी एक तो प्राइम नंबर होगा ही होगा क्या? नहीं होगा। ये कहाँ प्राइम नंबर है? इसका भाई साहब जैसे तो बोल रहे हैं क्या एक प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसका एलसीएम कितना आ सकता है? दो गुणनखंड हो सकता है क्या? ऐसी संख्या है जिनका जिनका केवल गुणनखंड दो हो कि एक हो? दो गुणनखंड हो और एलसीएम कितना हो? एक हो। तो एलसीएम की बात नहीं करेंगे, एलसीएम अगर लेते हैं तो फंसोगे आप यहाँ बराबर। सीधा सीधा आप बोलिए ऐसी संख्या है जिनका कम से कम दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, अधिक से अधिक भी दो ही गुणनखंड है और कम से कम दो ही गुणनखंड है। अगर दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक तो नहीं हो सकता है भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता? एक का एक फिर एक से ही काटोगे क्या? एक ही गुणनखंड दिख रहा है ना। अब दो बताओ दो का क्या होगा? एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, दो गुणनखंड हो गया क्या? बताओ तीन से भी जाएगा और एक से भी जाएगा। बताओ नहीं है, क्यों नहीं है? एक से भी जा रहा है, दो से भी जा रहा है और चार से जा रहा है, तीन गुणनखंड हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब चलते हैं प्राइम नंबर में, खाली लूडो तक ही स्टॉप लगाते हैं। दो पाँच, दो तीन पाँच, दो तीन पाँच, क्या अपने पास अभाज्य संख्या है? अगला बोले कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताइए क्या होता है? कंपोजिट नंबर से बताइए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या कैसा होता है भाई साहब? ऐसी संख्या है जिनके दो से अधिक, दो नहीं होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए। भाज्य संख्या का शुभारंभ कहाँ से होता है? शुभारंभ कहाँ से होता है? चार से होता है। कहाँ से होता है भाई साहब? तीन तो नहीं हो सकता है क्योंकि तीन के गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? दो ही गुणनखंड है ना। यस सर। क्या अभाज्य संख्या कहते हैं? भाज्य क्या मतलब? चार बोला तो कम से कम कितने गुणनखंड है? तीन है या नहीं है? तो जैसे देखिएगा एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और चार हो जाएगा। तो अपने पास बताइए चार हो जाएगा और छह हो जाएगा। ये अपने पास
नंबर तो घात की संख्या है ना। यस सर। अगर इवन नंबर की बात करें दोस्तों तो इवन नंबर से बताइए दोस्तों यहाँ कितने हैं, अब बताइए। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर बताओ सम संख्या, सम संख्या बताओ टोटल कितने हैं, दो चार छह है कि नहीं। ऐसे तो दो से कट जाते हैं, दूसरे हम सम संख्या करते हैं तो देखिए दो हो जाएगा, चार हो जाएगा और सब संख्या है क्या। और ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स चलिए ऑड नंबर्स के ऊपर चलते हैं। ऑड नंबर्स जो अपने होते हैं विषम संख्या, विषम संख्या बताओ इस पास में कितने हैं, विषम संख्या बताओ टोटल कितने हैं, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा और पाँच हो जाएगा, तीन जो विषम संख्या। अब सभी का प्रायिकता आपसे पूछा जाए यदि ये बताओ एक पासा तो एक बार देखा जाए प्राइम नंबर्स आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ लिखेंगे तीन बार प्रायिकता और यहाँ प्राइम नंबर लिख सकते हैं आप, प्राइम नंबर लिख दीजिएगा और बराबर बताओ कुल टोटल कितने प्राइम नंबर है, तीन जो है और कुल घटनाएं बताओ कितने, तीन एकम तीन, तीन गुना एक बटा दो आएगा क्या। अगर आपसे पूछा जाए कम्पोजिट नंबर बताओ तो कम्पोजिट नंबर बताइए कितने आए हैं टोटल, कम्पोजिट नंबर की अगर बात करें तो कम्पोजिट नंबर अपने पास दो आया है क्या, तो दो लोग आए तो दो और कुल कितने घटना उसे एक बटा कितना आएगा क्या। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि ऑड नंबर बताओ कितना आएगा और विषम संख्या तो क्या बताएंगे भाई साहब, तीन बार आए हैं क्या ये विषम संख्या, एक दो तीन लोग आए कितने घटनाओं में से एक बटा दो आएगा क्या। तीन इवन नंबर की बात करें तो अपने पास टोटल बताओ कितने आएंगे, तीन बटा छह बराबर एक बटा दो घटनाएं। ये इस तरह से आपके घटनाएं अगर आपसे पूछते हैं परीक्षा लेवल में तभी यही तक चलेगा। अगर हम दो पासों को एक साथ देख रहे हैं कुल कितने घटनाएं हो सकते हैं, तब 36 घटनाएं होंगे। 36 घटना कैसे कैसे होगा, एक के बाद एक एक करके एक दूसरे के साथ लिखना है। जैसे मैं पहला पासा पे फिक्स कर दिया, हो सकता एक आया हो पहले पासे पर क्या आया हो सकता दूसरे पासे पर एक आया हो सकता है दूसरे पासे पर दो आया हो सकता है दूसरे पासे पर तीन आया हो सकता है अगले वाले दूसरे वाले पासे पर चार आया हो सकता है दूसरे वाले पासे पर पांच आया हो सकता है अगले वाले पासे पर कितना आया छह है। तो ऐसी संभावना क्या है, छठ घटना हुआ या नहीं हुआ अभी, पहले पासे पर अगर मान लिया दो आया हो तो दूसरे वाले पासे पर एक आ सकता है दूसरे पासे पर दो आ सकता है फिर दूसरे पासे तीन भी आ सकता है, इस तरह से कुल घटनाएं छह हुए। अगर मान लिया कि पहले पासे पर तीन आया हो और दूसरे वाले पासे पर कितना आ सकता है, एक आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांच आ सकता है छह, तो दो एक दो 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 तीन दो छह, तो देख रहे हैं ना दो छह तक जाएगा, एक 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 दो एक दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह, दो एक दो 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 तीन दो चार दो पांच दो छह, तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पांच तीन छह, चार एक चार दो चार तीन चार 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 पांच चार छह, पाँच एक पाँच दो पाँच तीन पाँच चार पाँच 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 छह, छह एक छह दो छह तीन छह चार छह पाँच छह छह। कुल घटनाएं कितने हुए अब तक, 36 घटनाएं हो गए। इसी तरह और भी पासा उछाला जाए तो घटनाएं बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से अभी सवाल नहीं बनेगा, अभी भी पासा यही तक था, तो यहाँ तक भी नोट था क्या सबका, यहाँ तक भी नोट है तो सबको हटाते जा रहे हैं, नोट करना है कर लीजिए। अगले कदम की ओर चलते हैं, अगला कार्ड नंबर बताइए क्या दोस्तों, कार्ड पे चलेगा कार्ड क्या है, जिसे पत्ते करते हैं या पत्ता करते हैं ना, तो कार्ड है अगला गेम जो अपने पास है वो कार्ड है, और कार्ड्स में बताओ टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल दोस्तों इसमें अगर बोला जाए तो 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं और चार कलर के होते हैं पत्ते या दो कलर के होते हैं, दो कलर के होते हैं, तो 52 पत्तों में दो कलर के पत्ते होते हैं, एक को होता है दोस्तों ब्लैक और दोस्तों अगला क्या होता है
और जो ब्लैक होते हैं ये दो तरह के पत्ते होते हैं, और जो रेड होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे करें तो ब्लैक की बात, ब्लैक में ये दो किस्म के पत्ते होते हैं। पहला बता सकते हैं क्लब ले लिया, क्या ले लिया, चिड़िया बोलते हैं ना, चिड़ी बोलते हैं इसे या चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं। और इसका डिजाइन आपको पता है कैसा होता है ना, एक पेड़ की तरह बना दीजिए, ये आपके पास चिड़ी बन गया भाई साहब। और ये टोटल कितने पत्ते हो गए, 13 पत्ते हो गए। उसके बाद इस पेड़ की बात करें, इस पेड़ वाला क्लब्स पत्ते हो गए। अगर इस पेड़ की बात करें, इस पेड़ के टोटल कितने पत्ते हो गए, और आप लोग जानते हैं उल्टा दिल बनाने आता है ना, उल्टे दिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पेड़ से बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, हुकुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हुकुम बोलते हैं। और ये टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। चलिए रेड बताइएगा, रेड भी बताओ कितने तरह के पत्ते होते हैं, तरह के पत्ते होते हैं। एक नो हर्ट होता है, क्या होता है भाई, हर्ट का मतलब बताइए, लाल पान, लाल पान बोलते हैं, या लाल पान का पत्ता बोलते हैं, हर्ट को लाल पान का पत्ता बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, अब आपको पान तो बनाने आता ही होगा, ये दिल बना दीजिए, दिल खाते हो, पान खाते हो कि नहीं खाते हो, पान खाने के बाद लाली निकलता है, घड़ियाली निकलता है, लाली निकलता है ना, तो पान खाने के बाद लाली निकलता है, इसलिए इसका नाम लाल पान है। तो ये टोटल कितने पत्ते होते हैं, अभी आपने ईटा देखा है क्या, ईटा और किसी कलर का होता है कि लाली कलर का होता है, लाली कलर का होता है। तो ये ईट होता है जिसे हम लोग डायमंड कहते हैं, क्या करते हैं भाई, डायमंड बोलते हैं। और डायमंड टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते, यानी कि 13 पत्ते लाल पान के, 13 पत्ते लाल कितने हो गए, 26 हो गए, 13 पत्ते इस पेड़ के हुकुम के होगा, 13 पत्ते टोटल ब्लैक बताओ कितने हो गए, 26 हो गए। यानी कि अपने पास 4 किस्म के पत्ते दिखाई दिए, अब कितने किस्म के, 4 किस्म के, इसका नहीं बना है क्या, डायमंड बना लो यार, नहीं तो सब गड़बड़ाओगे क्या, ये ईटा मैंने बना दिया इस तरह से, ये डायमंड, इसका ये डायमंड बोला जाएगा, ये ईट है आपका, क्या है भाई साहब, ईट है, ये लाल पान है, ये ईट है, ईट का लाल होता है कि चिड़िया का ईट होता है, ईट का लाल होता है भाई, लाल तो किसका होगा, ये ही होगा ना केवल। और तो यहाँ पे यानी कि 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, 26 पत्ते रेड होते हैं, कुल टोटल 2 कलर के पत्ते पाए गए हैं। और 2 कलर में जो ब्लैक होते हैं, ये पत्ते 2 तरह के होते हैं, एक तो चिड़िया होता है, दूसरा क्या होता है, 13 पत्ते, 13-13 दोनों में होते हैं, टोटल 26 हो गया। अगर हम बात कर रेड में, तो रेड पे भी 2 तरह के पत्ते होते हैं, एक हर्ष होता है लाल पान, दूसरा क्या होता है, ईट होता है, क्या होता है, ईट का लाल, लाल होता है, ईट का चीनी नहीं होता भैया, लाल पान यह बोला गया है। तो 13 पत्ते ये भी होते हैं, 13 पत्ते ये भी होते हैं। और यहाँ पर जैसे आएंगे, और 13 पत्तों में ये 13 तरह के पत्ते हैं, 13 पत्तों में ये 13 तरह के पत्ते हैं, 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 लेकिन एक एक पत्ता सबका होगा। अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह के कौन सा पत्ता किसमें होने वाले हैं। जैसे अपने पास इक्का का नाम आपने सुना होगा, इक्का के बताओ कितने पत्ते होने वाले हैं, 4 पत्ते होने वाले हैं, कुल टोटल कितने पत्ते होने वाले हैं, 4 पत्ते होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इक्का का जो यहाँ पर साइन होगा, सिंबल होगा या कलर होगा, COLOUR कलर की बात करें, तो यहाँ पे लाल और लाल पहले मैंने लिख दिया, लाल और लाल लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया भाई काला, क्या लिख दिया, काला। और काले में भैया लाल में हम बनाते हैं लाल पान,
और क्या बनाते हैं भैया साहब? ईंट बना देते हैं। ये अपने पास ईंट बन गया। और काले में क्लब बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चिड़िया बना देते हैं। और क्या बना देते हैं? उल्टा हुकुम बना देते हैं। उल्टा लालपन बना देते हैं। लाल यानी ये हुकुम है, काले हो गए। एक का बोला जाए तो बताओ, लाल पान का अगर देखा जाए इक्का कितने होते हैं? तो एक होते हैं। कितने होते हैं? इक्का होता है। अगर इक्का की बात कर रहे हैं तो लाल पान का बताओ कितने इक्का होता है? एक इक्का होता है। ईंट का बताइए, एक। चिड़ी का बताओ, एक। और बताओ इक्का, तो टोटल बताओ इक्का कितने पत्ते हो गए? चार। तो चार पत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? गेम पे देखिएगा, ये ईंट का लाल है। ईंट का लाल यहाँ पर दिख रहा है ना? यस सर। और उसके बाद बताइए हुकुम का, डर गया, ये हुकुम का। और उसके बाद अगला देखिए, लाल यहाँ पर है। अगला देखिए क्या आता है? चिड़िया का अंडा। तो ये चार तरह के पत्ते होते हैं और 13 पत्ते पाए जाएंगे। अगला पत्ता बताइए किसका हो सकता है? अगर मैं बादशाह बना लिया, गुलाम, ये इक्का था। ये बादशाह की बात करें जिसे आप लोग किंग बोलते हो ना, किंग बताइए टोटल ये बताओ कितने होते हैं? लाल पान का बादशाह एक होता है लाल, और ईट का लाल पान बादशाह एक होता है। चिड़िया का बताओ बादशाह एक होता है, और हुकुम का बताओ एक होता है। टोटल मिला के चार पत्ते हो गए। इसी तरह आपका बेगी आएगा। क्या आ जाएगा? बेगी आ जाएगा। बेगी आ जाएगा। बेगी जिसे क्यों निकालते आप लोग, है ना? इसके बाद गुल्लू आ जाएगा। गुल्लू भी। ये देखो सिंबल दिखाया जा रहा है, ये कलर का नाम बताया गया है। यहाँ पे कलर दिखेगा, ये सिंबल दे रहे हैं क्यों कहाँ कहाँ पर आएगा इसका। ये चार ही होते हैं भाई, पांचवा नहीं लेना ये वाला। इसके बाद दो से चालू होता है क्योंकि एक को यही एक्का को बोलते हैं, ठीक है ना? अब दो के कितने पत्ते होते हैं? चार होते हैं। इसी तरह डाटा 10 तक जाएगा भाई। कितने तक जाएगा? 10 तक जाएगा। और 10वां नंबर पे कौन है? 10 10 10 10 10। टोटल बताओ कुल कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते हो गए। और 13 कलर के पत्ते हैं टोटल, 13 डिजाइन के। दो कलर में 13 डिजाइन के पत्ते हैं। अभी डिजाइन यहाँ पे आपको दिखाया गया एक का में। क्या ये डिजाइन देख पा रहे हैं ना? ये डिजाइन है, दूसरा है? ये डिजाइन है, आपके सामने लगा हुआ है। और यहाँ से सवाल ये बन सकता है, सवाल ये बन सकता है नंबर वाले कितने पत्ते होते हैं और फेस कार्ड कितने पत्ते होते हैं? तो फेस वाले तस्वीर वाले टोटल कितने पत्ते होते हैं? 16 पत्ते होते हैं। या कितने होते हैं? चार भी है, 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। इक्का तो तस्वीर थोड़ी ना होता है, इक्का पे कहां तस्वीर छापा गया है? ये बताओ इस पे तस्वीर है क्या? तस्वीर तो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ये तस्वीर है देखो, इसमें बादशाह छापा है ना, इसमें बादशाह छापा है। इसी तरह आपको अगला अगर देखा जाए तो गुल्लू है या सुरखमीन है, बेगी जिसे हम लोग कहते हैं, क्या ये तस्वीर वाला है या नहीं है? तो अपने पास एक होता है बादशाह, एक होता है बेगी, एक होता है गुल्लू। तो चार या 12 पत्ते टोटल तस्वीर वाले होते हैं, 52 पत्तों में। अभी बताओ कुल कितने पत्ते हो गए तस्वीर वाले? 12। तस्वीर वाले पत्ते टोटल 12 हो गए। और इक्का कितने हो गए? चार हो गए। उसको संख्या वाले में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना? तो फिर बताओ दो कि 52 पत्तों में अगर 16 पत्तों को माइनस कर देते हो, निकालते हो, कितने पत्ते बचते हैं? छत्तीस पत्ता बचा ना, थोड़ो घटाना नहीं आता है कहा? तो 16 पत्ता निकाल दिया। कितने पत्ते? तो कितने पत्ते बचेंगे? 36 पत्ते बचेंगे। 36 पत्ते जब बचते हैं तो 36 पत्ते या क्या कहलाएंगे? संख्या वाले। तो अगर आपसे बोला जाए, अब यहाँ पे सवाल बनाते हैं, अब ज्यादा डिटेल नहीं अंदर जा रहे, ठीक है ना? इतना तो आप कार्ड से जानते भी हो पहले से ऑलरेडी, है ना? तो अगर हम बोले अच्छा 12 तो फेस वाला कार्ड होगा, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो 6 तो लाल होते हैं और 6 लाल होगा और 6 क्या हो जाएंगे? ये होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो आपसे यह सवाल पूछे या बता पाएंगे? यस सर। 52 पत्ती में से एक गड्डी को ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंका गया है, उसमें से लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता बताओ कितना होगा? लाल रंग के तस्वीर वालों पत्तों की प्रायिकता बताओ कितना होगा? 52 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6 होते हैं, अच्छा बेटा 52 हो जाएगा क्या? अब इसे आप कट कर देना, छोटा कर देना लिख कर, ठीक है ना? अगर हम बोले 52 पत्ती में से लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? लाल पान का बादशाह तो एक ही होता है कि दो होता है? एक होता है। 52 पत्ती में हर पत्ते एक होते हैं, यूनिक होते हैं, दूसरा नहीं होता है, तो एक ही होता है, तो एक बटा क्या बोलेंगे? अगर हम बोले 52 पत्ती में से तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता बताओ कितना होगा, तब बताए तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता? 12 बटा 52 हो जाएगा ना? यस सर। इसी प्रकार अगला अपने पास आता है, बाल पर आते हैं, कांच से संबंधित जो सवाल रहेंगे अभी हम करने वाले हैं, ठीक है ना? अगला जो पॉइंट लेते हैं किसके ऊपर चला जाए दोस्तों? बाल के ऊपर है। किसके ऊपर है? बाल पर आते हैं। बॉल्स का मतलब भेद होता है, क्या होता है? भेद होता है। क्लोज रखना जाए इसको थोड़ा सा। अब बाद बॉल का मतलब यहाँ पे देखिएगा, एक थैले में कुछ अपने पास बॉल रखे गए हैं, लाल पीला हरा। मान लिया कि ये लाल थे और नीचे ये हरा गेंद है, हरा गेंद बताइए पांच है और लाल गेंद कितने है? ये लाल है और ये क्या है? हरा है। हरा पांच है, ये क्या है भाई साहब? हरा है। तो एक थैले में से हरा आने की क्या प्रायिकता होगा या कुछ भी डाला जाए, तो टोटल गेंदों की संख्या 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। गेंद कितने हैं भाई साहब? कुल गेंद बताइए कितने हैं? 8। कुल गेंद 8 है और किस रंग की प्रायिकता पूछ रहा है? हरे रंग की। तो प्रायिकता और हरे रंग की पूछ रहा है, ग्रीन हो जाएगा। पी ग्रीन बराबर कितना हो जाएगा? 8। हरा कितना है? 5 है और टोटल कितने में से? 8 में से। और हमेशा प्रायिकता का मान शुरुआत में बताया गया है कि 1 से बड़ा नहीं होता है। तो हरे रंग का अगर हम बोल रहे हैं आपसे, एक थैले में 4 काले गेंद है, एक थैले में 4 काले गेंद है, कितने काले गेंद है? 4। और 4 लाल है, 4 लाल है और 4 हरा है, 4 हरा है। तो बताओ उस थैले में से पीले रंग के होने की प्रायिकता बताओ क्या होगा? 0 हो जाएगा ना प्रायिकता? पीला है या नहीं है तो गेंदा निकल जाएगा थैले में से का? जादू हो सकता है, निकाल दे भाई आप लोग उस बात निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे भाई साहब, ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए हरा आने की प्रायिकता बताओ क्या होगा, तो क्या 4 बटा 12 1 बटा 3 आएगा, कैंसिल होगा। तो गेंद से संबंधित सवाल क्या बनेंगे? बिल्कुल आसान बनने वाले है ना? तो आज इतने पर क्या किया जाए भाई साहब? लगाया जाए और जो भी बातें हैं ये नोट करिए।